हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पोको X3 टच सॉल्यूशन और दूसरा है डिस्प्ले ग्राफिक्स। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे आ जाते हैं हम टच नॉट वर्क पे। तो अगर आपके फ़ोन में भी टच वर्क नहीं कर रहा है तो आपको ये सब सप्लाई चेक करने हैं। ये पावर आ रहा है हमारा VCC के थ्रू, पावर IC के थ्रू देख लीजिए। अगर ये पावर नहीं मिला तो भी हमारा टच वर्क नहीं करेगा। अगर ये CPU के ये कंपोनेंट जो लगे हुए CPU से जो लाइन है ये भी ख़राब होंगे या उखड़ गए होंगे तो भी हमारा टच वर्क नहीं करेगा। अगर ये CPU की लाइन अगर CPU से रीडिंग नहीं आ रही है तब भी टच वर्क नहीं करेगा। ज़्यादातर प्रॉब्लम CPU से ही रहता है टच नॉट वर्किंग का। एक आधी लाइन CPU जब हीट होते गर्म होते जब अपन यूज़ करते गेम खेलते हैं वीडियो देखते हैं, जब CPU गर्म आता है तो उसके बाद CPU इतना गर्म हो जाता है कई बार बॉल जो है ड्राई होके ब्रेक हो जाता है कनेक्शन, तो उसकी वजह से भी कई बार टच वर्क नहीं करता है। तो ये कारण रहते हैं टच नॉट वर्किंग के। तो चलिए अब आ जाते हैं नो डिस्प्ले नो ग्राफिक्स पे। तो हम पोको X3 के LCD डिस्प्ले ग्राफिक्स सेक्शन पे। डिस्प्ले ग्राफिक्स का भी कुछ ऐसी ही है, ये कुछ कंपोनेंट है ये हमें चेक कर लेने हैं, ये कॉइल कंपोनेंट वगैरह सब चेक कर लेने हैं। और इसका ज़्यादातर कनेक्शन पावर में तीन ही लाइन गई है, वैसे ज़्यादातर CPU में ही गई है। तो CPU में कुछ इस तरीके का कनेक्शन गया है, आप देख लीजिए एक बार अच्छे से। तो कई बार CPU ड्राई होने से भी ये प्रॉब्लम आता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही था गाइस। तो आई होप आपने अभी तक के हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।